तो अपने प्यारे दोस्तों के लिए डॉन एक बार फिर से मैदान में हाजिर है। हेलो दोस्तों, आज का क्लास केमिकल बॉन्डिंग का हमारी तरफ से लेक्चर नंबर 12 और आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी पर बातें करेंगे, MOT। तो सबसे पहले हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही थियोरी के अंदर हम लोग अच्छे से जा सकेंगे। तो ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो अगर हम लोग बेहद ही सिंपल पिक्चर बनाए तो हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर में हम लोग बना ले, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं। तो हम लोगों के मन में जो है कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जैसे रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसका एक रास्ता होता है और उस रास्ते पर वो ट्रेन जो है चलती रहती है। जैसे खिलौने वाला ट्रेन ले लो तो अक्सर करके खिलौने वाले ट्रेन का जो रास्ता होता है ऐसा सर्कुलर होता है और सर्कुलर रास्ते पर खिलौने वाला ट्रेन जो है अपना घूमता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ खिलौने वाले ट्रेन ऐसे होते हैं जिनका रास्ता इस तरह से होता है और वो जो खिलौने वाला ट्रेन है इस रास्ते पर इस तरह से चक्कर काटता रहता है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है तो तुम लोगों के मन में कभी कभी ये बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमता होगा जैसे ट्रेन जो है, ट्रेन का एक रास्ता फिक्स होता है, ट्रेन अपने फिक्स रास्ते पर घूमती रहती है, उसकी एक पटरी होती है, एक रास्ता होता है और उसी रास्ते पर जो है ट्रेन लगातार घूमता रहेगा। कुछ वैसा ही पिक्चर तुम्हारे मन में इलेक्ट्रॉन के बारे में आता है, लेकिन ये पिक्चर सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं, ठीक, यहां तक तो सही है। लेकिन जब हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा गहराई से समझेंगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि ऑर्बिटल मतलब एक ऐसा रास्ता, ऑर्बिटल का मतलब एक ऐसा रास्ता नहीं होता है, ऐसा रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ऑर्बिटल मतलब स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जगह है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा घर, अगर एक घर के बारे में सोचा जाए तो घर में छत है, दीवारें हैं, जमीन है, कुछ दरवाजे होंगे, खिड़कियां वगैरह होंगी। तो अब जैसे तुम इस घर में रहते हो तो ऐसा नहीं कि तुम दीवार पर जो है चिपक करके रहते हो, जैसे छिपकली होती है दीवार पर चिपक जाती है, दीवार ही दीवार पर रहती है, बीच में जो है जमीन वगैरह में वो कभी नहीं आती। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर काफी सारा खाली जगह है और इस खाली जगह के अंदर हम लोग रहने का इंतजाम करते हैं। तो ठीक वैसे ही ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्बिटल मतलब स्पेस समझते हो ना, खाली जगह, कि ये न्यूक्लियस हुआ, कि न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारा खाली जगह और इस पूरे खाली जगह में न्यूक्लियस को थोड़ा हम लोग सेंटर में बना ले, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारा खाली जगह है और इसी खाली जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रहता होगा, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। ऐसा नहीं कि वो ट्रेन की पटरी की तरह, जैसे ट्रेन की पटरी पर ट्रेन जो है घूमता रहता है वैसे इलेक्ट्रॉन पटरी पर घूमता रहता है, ऐसा नहीं। इस पूरे जगह में, इस पूरे खाली जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे तुम्हारा घर है तो इस घर में ऐसा नहीं कि एक रास्ता बना हुआ तुम बिल्कुल उसी रास्ते पर ही पाए जाओगे, पूरे घर में जितना भी जगह है तुम उस पूरे जगह में कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आ सकते हो। कहीं कहीं पर तुम ज्यादा समय स्पेंड करते हो, कहीं कहीं पर तुम कम समय स्पेंड करते हो। जैसे तुम्हारा टॉयलेट है, बाथरूम है, उसमें कभी कभी जाते हो, लेकिन जो तुम्हारा लिविंग रूम है उसमें तुम ज्यादा रहते हो,
छत पर भी कभी कभी जाते हो, कभी कभी बगीचे में जाते हो, तो मतलब घर में ढेरों जगह है, कुछ जगहों पर ज्यादा जाते हो, कुछ जगहों पर कम जाते हो। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ खाली जगह है और उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। और हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में अंतर करने जा रहे थे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसा तुम लोग जानते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, ढेरों ऑर्बिटल्स हैं, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मोस्टली हमारा एस और हमारा काम जो है एस, पी, डी और एफ, इन चारों ऑर्बिटल्स में चल जाता है। इससे ज्यादा ऑर्बिटल्स के बारे में बहुत गहराई से जानने की जरूरत नहीं होती है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब बॉल के जैसा। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ बॉल के जैसा एक तुम जगह अपने मन में सोच लो, एक जगह का इमेजिनेशन कर लो। इस पूरे जगह में इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी पाया जा सकता है। पी ऑर्बिटल ये डंबल शेप्ड होता है, मतलब ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा डंबल शेप्ड स्पेस। इस पूरे जगह में ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ ये खाली जगह, इन जगहों में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है। इसमें भी पूरे जगह में इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी पाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस बस इस रास्ते पर चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस पूरे जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है, कुछ जगहों पर ज्यादा पाया जाने का चांस रहेगा, कुछ जगहों पर कम पाया जाने का चांस रहेगा, लेकिन सभी जगहों पर पाया जा सकता है। इसी तरह से डी ऑर्बिटल तुम देखते हो डबल डंबल होता है, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन। तो ये है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये सारा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आ जा सकता है। तो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, जब हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे, जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहां पर लेंगे, हाइड्रोजन एटम हमारे पास हो जाए और प्लस एक और हाइड्रोजन एटम हमारे पास हो जाए, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स मिल करके H2 मॉलिक्यूल बना लें। तो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इसके अपने ऑर्बिटल्स होंगे, इस हाइड और दूसरी इसी तरह से दूसरा वाला जो हाइड्रोजन एटम है उसके भी अंदर कुछ अपने ऑर्बिटल्स होंगे ही होंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अंदर अपने ऑर्बिटल्स, इसके अंदर अपने ऑर्बिटल्स और इन एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो इसके अंदर जो है एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हाइड्रोजन के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1 मतलब एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास जो कि 1s ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल, अब ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और यहां पर कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी तुम बनाओगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाओगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हो तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना लोगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हो तो तीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना लोगे, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हो तो 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना लोगे। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो है ये ऑर्बिटल्स का कंजर्वेशन रहेगा, जितने ऑर्बिटल्स खर्च करेंगे उतने ऑर्बिटल्स बना भी लेंगे। तो यहां पर जितने ऑर्बिटल्स खर्च करेंगे, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, अगर दो ऑर्बिटल खर्च कर रहे हैं तो यहां पर दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है हम लोग बना डालेंगे। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अंतर क्या होता है, इसको हम थोड़ा फिर से समझने की डायग्राम्स के जरिए समझने की कोशिश करें। तो ये हुआ अपना एक 1s ऑर्बिटल, ठीक, 1s, ये उसका सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए खाली जगह है। और इसी तरह से एक दूसरा 1s ऑर्बिटल, ठीक, ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जगह है। जब तुम इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिलने से क्या होगा, दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब दोनों पास में आएंगे, मिक्स हो जाएंगे,
तो दोनों का न्यूक्लियस पास पास बनाया, और अब एक ऐसा जगह है इन दोनों न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर अब इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है केवल एक न्यूक्लियस को नहीं देखेगा, दूसरे न्यूक्लियस को भी देखेगा कि यहां से भी फायदा उठाया जा सकता है, यहां पर से भी फायदा उठाया जा सकता है। न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है, न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, इधर बना सकते हैं हम लोग, ये रहा पॉजिटिव न्यूक्लियस, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, दोनों में अट्रैक्शन है। तो जो एटम का ऑर्बिटल होता है या जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस बहुत हैवी है, वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ अपना घूमता रहेगा। अब जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात आएगी तो अब इलेक्ट्रॉन को केवल एक न्यूक्लियस से फायदा नहीं मिलेगा बल्कि दूसरे न्यूक्लियस से भी फायदा मिलेगा। जैसे मान लो दो दोस्त, तुम लोग दो दोस्त हो, दोनों का अपना अपना कमरा है, तुम्हारे पास कुछ सामान है, उसके पास कुछ सामान है, तुम अपने कमरे में अलग रहते हो, वो अपने कमरे में अलग रहता है। तुम्हारे पास जो सामान है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ कमी है, उसके पास भी कुछ सामान है लेकिन उसके पास भी कुछ कमी है। अगर दोनों मिल जाओ तो सामान जो है खूब अच्छे से ढेर सारा हो जाएगा और दोनों मिलकर के एंजॉय कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे कमरे में एसी है, उसके कमरे में एसी नहीं है, उसके कमरे में बहुत ही अच्छा टीवी और कंप्यूटर है लेकिन तुम्हारे कमरे में टीवी और कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही कमरे में सारी अच्छी अच्छी चीजें तुम लोग लगा दो, उसी कमरे में टीवी लगा दो, उसी कमरे में कंप्यूटर लगा दो, उसी कमरे में एसी लगा दो, और भी बाकी जो भी अच्छी अच्छी चीजें एक ही कमरे में लगा दो और दोनों एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ, और जो दूसरा कमरा है उसमें सारा फालतू कूड़ा कचरा अपना तुम लोग फेंक दो। तो अब क्या होगा, दोनों एक ही कमरे में एक साथ रहोगे और सारे सामानों का फायदा उठाओगे। जब तुम अलग अलग रहते थे तो क्या था, तुम एसी का फायदा उठा लेते थे लेकिन कंप्यूटर और टीवी तुम्हें नहीं मिल पाता था, दूसरा वाला वो कंप्यूटर और टीवी का फायदा उठा लेता था लेकिन उसको एसी नहीं मिल पाता था। अब दोनों जब एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए, सारा अच्छा अच्छा सामान एक ही जगह पर रख लिए, तो अब क्या है, दोनों ही ज्यादा फायदे वाली चीजों के साथ रहोगे, अच्छी अच्छी चीजों का आनंद उठाओगे, जो भी कूड़ा कचरा है वो दूसरे वाले फालतू कमरे में तुमने फेंक दिया जिसमें तुम्हें नहीं रहना है। तो कुछ वैसा सिस्टम यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो था सिर्फ इस वाले न्यूक्लियस का फायदा उठा रहा था, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो इस वाले न्यूक्लियस का फायदा उठा रहा होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जगह बना लेगा कि अब हम इधर उधर सब जगह रहेंगे, इस वाले न्यूक्लियस का भी फायदा उठाएंगे, इस वाले न्यूक्लियस का भी फायदा उठाएंगे, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन की सेवा चल रही है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन की सेवा चल रही है, और अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा आनंद में है, पहले की तुलना में अब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आनंद में है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपस में थोड़ी मारपीट हो जाए, कहा सुनी हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो तुम कहोगे ऐसा है कि एसी जो है मेरा है, हम एसी की तरफ अच्छे से सोएंगे और उधर जिधर कमरे में एसी की हवा नहीं पहुंच पा रही है तुम उधर की तरफ जाकर के सो, और दूसरा वाला जिसका टीवी और कंप्यूटर है वो कहेगा टीवी और कंप्यूटर जिधर है हम उधर रहेंगे, और तुम्हारा जिधर टीवी और कंप्यूटर नहीं कमरे में तुम उधर किनारे की तरफ रहो। तो ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है कि ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले रीजन में रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर वाले रीजन में रहेगा। तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स को तुम मिलाओगे तो इसका 1s और इसका 1s आपस में मिक्स हो जाएगा, और दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर समय जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्पेंड करे। तो इस पर हम लोग बाद में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो थोड़ा कहानी के तरह से ही हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक बार जब बात किसी तरह से दिमाग में कुछ कुछ घर कर जाती है तो हम लोग और गहराई पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है बस इतना ही समझो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में ज्यादातर समय क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा और दोनों तरफ से खूब सेवा चल रही है, इधर से भी फायदा हो रहा है, इधर से भी फायदा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन बड़े मजे में है। और इसमें क्या है, मारपीट हो गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर अपना एसी के साइड में, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उधर कंप्यूटर और टीवी के साइड में, बीच में कोई नहीं आएगा, बीच में जो है खाली हिस्सा पड़ा हुआ। तो जब बीच में खाली हिस्सा रहेगा तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने पड़ जाएंगे, और जब दोनों न्यूक्लियस आमने सामने पड़ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में बड़ा ही स्ट्रांग रिपल्सन शुरू हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, जैसे दो लोगों के बीच में पर्दा लगा दिया जाए, दो लोग एक दूसरे को अच्छे से न देख पाए,
इधर एक न्यूक्लियस है, इधर एक न्यूक्लियस है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन का फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन का फायदा मिलेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन का काम करेगा, तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टाइम स्पेंड करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को मोस्टली एक ही न्यूक्लियस का फायदा मिलेगा, दूसरे न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन मिल सकता है, जैसे एसी दूर चल रहा है तो उधर से थोड़ा बहुत ठंडा हवा आ ही सकता है, ऐसा क्या है कि हवा को कोई बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे इस वाले न्यूक्लियस का फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत फायदा इस वाले न्यूक्लियस को भी मिल सकता है। इसी तरह से इधर जो इलेक्ट्रॉन है उसे इस वाले न्यूक्लियस का फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत फायदा इधर वाले न्यूक्लियस का मिल सकता है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो अब ये न्यूक्लियस आमने सामने, दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम है, तो नेट जो है, नेट रिजल्ट, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगे। ध्यान देना, जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स पास में आएंगे तो दो तरह के फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं उनके बीच में, कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्सन। जैसे अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सिंपल वे में समझे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, ये इसको खींचेगा, इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, ये इसको खींचेगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों में अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन, तो दोनों तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी काम कर रहा है और रिपल्सन भी काम कर रहा है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्सन कम होगा, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होंगे जब रिपल्सन ज्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगा। तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं, इस वाले ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा मिलेगा, और इस वाले ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिटल में है अट्रैक्शन ज्यादा, और इस ऑर्बिटल में है तो रिपल्सन ज्यादा। कभी कभी हम लोगों के मन में ऐसा हो जाता है कि ये इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे हम लोगों ने अभी अभी समझा कि दो दोस्त रह रहे हैं, टीवी है, एसी है, कंप्यूटर है, तो एक जो एसी के साइड में, दूसरा जो है टीवी और कंप्यूटर के साइड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन में वैसे भी लड़ाई नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे जाए, किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ध्यान देना, चाहे वो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो, चाहे वो ऑर्बिटल एस टाइप का हो, चाहे वो पी टाइप का हो, चाहे वो डी टाइप का हो, किसी भी टाइप का ऑर्बिटल अगर ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस पूरे जगह में दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकते हैं, और यहाँ पर भी इस पूरे जगह में दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा आ चुका है, सिचुएशन कुछ ऐसा है, स्थिति कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन बीच वाले जगह में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूमेंगे, और बीच में जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो दोनों न्यूक्लियस को, इस वाले न्यूक्लियस को इस वाले न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ और इस न्यूक्लियस के साथ, दोनों के साथ खूब ज्यादा अच्छे से अट्रैक्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ से सेवा चल रही है और यहाँ दोनों तरफ से मारपीट चल रही है, यहाँ पर खूब अट्रैक्शन अट्रैक्शन है, खूब फायदा फायदा है, और यहाँ पर खूब रिपल्सन रिपल्सन है, खूब घाटा घाटा है, तो इधर फायदा इधर घाटा। तो हम लोग बातें कर रहे थे एटॉमिक और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अंतर की, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक अकेला न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहे जैसे भी घूमे, लेकिन इसको बस सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस से फायदा मिलेगा, दोनों न्यूक्लियस से फायदा नहीं मिलेगा। इसको भी जो भी फायदा नुकसान होना है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो भी फायदा नुकसान होगा, बस अकेले अपने इसी न्यूक्लियस की वजह से होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो मोनो न्यूक्लियर कहते हैं, अगर हम शब्द लिखते तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनो न्यूक्लियर। मोनो न्यूक्लियर मतलब बस एक अकेला न्यूक्लियस है, जो भी फायदा नुकसान होना है उसी से होना है, जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल,
इज पॉली न्यूक्लियर। पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा, पॉली न्यूक्लियर मतलब कम से कम दो एटम्स तो मिलेंगे ही मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो दो न्यूक्लियस कम से कम होगा। ढेर सारे एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे CH4 को देखे तो उसमें एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन, कुल मिलाकर के पांच एटम्स हो जाएंगे, तो सबका अपना अपना न्यूक्लियस होगा। तो वहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल को पांच पांच न्यूक्लियस के साथ जो है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अकेले न्यूक्लियस के अराउंड जो भी कर रहा है वो कर रहा है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, फायदा नुकसान जो भी, सिर्फ एक अकेले न्यूक्लियस की वजह से। यहां पर भी अकेला न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित कर रहा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पर दो दो न्यूक्लियस का प्रभाव है। तो यही चीज जो है एटॉमिक और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में सबसे बेसिक अंतर होता है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनो न्यूक्लियर, सिर्फ एक न्यूक्लियस के प्रभाव में रहता है, जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है पॉली न्यूक्लियर होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस मिल करके इलेक्ट्रॉनों को फायदा या नुकसान जो भी पहुंचाए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे न्यूक्लियस कभी इलेक्ट्रॉनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। नुकसान फिर कहाँ से होता है? रिपल्सन से। रिपल्सन किसके बीच में होगा? या तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, या तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कभी रिपल्सन नहीं हो सकता। तो ये दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक में अट्रैक्शन ज्यादा है, जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन एटम्स पास में आएंगे। ध्यान देना, अट्रैक्शन का मतलब क्या है? दोनों पास में आएंगे। पास में आएंगे मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रहने को चला जाए तो दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाने का मतलब रिपल्सन ज्यादा है इसलिए दूर, एक दूसरे से दूर जा रहे, बॉन्ड टूट रहा है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रहने को तैयार है या इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब एटम्स पास में आएंगे, बॉन्ड बनेगा। और अगर वही इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इस रीजन में इस तरह से रहने को तैयार हो जाए, या इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रहना पड़े, रिपल्सन होगा, एटम्स दूर जाएंगे और बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों के रहने से बॉन्ड बनता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों के रहने से बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, यहां जितना अट्रैक्शन यहां उतना ही रिपल्सन, तो इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब 1s और 1s मिलकर के आपस में कुछ करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग टाइप का और एक एंटी बॉन्डिंग टाइप का। बॉन्डिंग टाइप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि खूब अट्रैक्शन का फायदा मिलेगा, और एंटी बॉन्डिंग टाइप के मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाने लगता है तो अब स्थिति कुछ ऐसी होगी कि खूब रिपल्सन देखने को मिलेगा। इसी चीज को अगर हम एनर्जी के टर्म्स में देखें तो हम कह सकते हैं ये रहा 1s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स से हम लोग बना सकते हैं, ये रहा दूसरा 1s ऑर्बिटल, दोनों मिलेंगे तो मिलकर के दो नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। एक की एनर्जी इन दोनों से कम और एक की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दें, या फिर ऐसे भी तुम दिखा सकते हो, जो भी तुम तरीका अपना लो, कि ये दोनों मिलकर के एक ऑर्बिटल ये बना, और यही यही दोनों मिलकर के एक ऑर्बिटल ये वाला बना रखे हैं। जिसकी एनर्जी कम है उसे हम कह देंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग MO मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे हम कह देंगे एंटी बॉन्डिंग MO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान देना, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी कम होगी, रिपल्सन जब भी होगा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये वो वाला ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है, ये वो वाला ऑर्बिटल है जिसमें अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो रहा था, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है ये डेफिनेटली वो वाला ऑर्बिटल होगा जिसमें रिपल्सन रिपल्सन हो रहा था। तो ये रहा 1s, ये रहा 1s, इसको कहते हैं सिग्मा 1s, और इसको कह देते हैं सिग्मा स्टार 1s। स्टार जो है मोस्टली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में लगा करके दिखा दिया जाता है। तो ये बॉन्डिंग है सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार, और 1s और 1s के मिलने से बना, इसीलिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स खत्म, और अब ये दो नए ऑर्बिटल्स आ गए। एक की एनर्जी पुराने वाले ऑर्बिटल्स की तुलना में कम है,
और दूसरे की एनर्जी पुराने वाले ऑर्बिटल्स की तुलना में ज्यादा है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये ऑर्बिटल्स खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटल्स में रहना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए या तो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। आप बहुत प्रिंसिपल कहता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते समय आप बहुत प्रिंसिपल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स के अंदर जाते हैं, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाने की कोशिश करेगा, उसमें जाएगा, फिर वो भर जाएगा, तब उसके आगे वाले ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहां से हटेंगे और यहां से निकल करके दोनों इस लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले आएंगे। कौन सा प्रिंसिपल, हाफ पाव प्रिंसिपल, ठीक, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, की मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, तो कोई नया रूल नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, आप बॉब प्रिंसिपल पढ़ा था, हुंड्स रूल पढ़ा था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में समझा था, तो वही सारे प्रिंसिपल, वही सारे रूल्स जो वहां पर काम करते थे वही रूल्स यहाँ पर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई नया रूल नहीं है, वही रूल फिर से काम करेगा, हालांकि इनके अंदर हमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है कि जो रूल वहां काम करते थे वही रूल यहाँ पर भी काम करते हैं। तो दोनों मिले, दोनों ने मिलकर के एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे जहां अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ध्यान देना लेस एनर्जी मोर स्टेबल, एनर्जी जैसे जैसे कम होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब जब दोनों हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां रहने को चला जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाने का मतलब है कि अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है साथ में रहना स्वीकार करेंगे और साथ में रहेंगे, साथ में मिलकर के H2 मॉलिक्यूल बना करके अब वो रहेंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके पहले जब हम लोगों ने इसके पहले जितना भी डिस्कशन किया था वहां पर कहीं हम लोग ऑक्टेट रूल की बात कर रहे थे, कहीं डुप्लेट रूल की बात कर रहे थे, कहीं ऑर्बिटल भरने की बात कर रहे थे कि इतना इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो स्टेबल, उतना इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो स्टेबल, लेकिन यहां पर हम लोग स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉनों की गिनती से नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, यहां पर स्टेबिलिटी को हम एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं। इसलिए थियरीज में पहले इलेक्ट्रॉनों को गिनते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, अच्छा ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबल, या इतना इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबल, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की गिनती नहीं कर रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी देख रहे हैं। अगर एनर्जी घट गई स्टेबिलिटी बढ़ी, दोनों मिलकर के रहेंगे, और अगर दोनों के मिलने से एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी और दोनों साथ में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, जब दोनों अलग अलग थे तो एनर्जी ज्यादा थी, और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब दोनों साथ में रहना चाहेंगे और मिल करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक इसेंस है, यही चीज हम लोग बड़े लेवल पर दूसरे मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। सबसे सिंपल सबसे छोटा मॉलिक्यूल था तो चीजों को बड़ी आसानी से हमने समझ लिया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन हाँ जो हमने सीखा है अगर उसे हम भूले नहीं और उसको हर जगह सोचे कि यही चीज लगभग हर जगह होगा, नाम बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, एनर्जी थोड़ी घटती बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब कुछ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तुलना में कम होगी और कुछ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तुलना में ज्यादा होगी। जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहे जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन इनमें जाएगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दोनों एटम्स पास में आएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा रिपल्सन ज्यादा होगा और दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन यहां भरे और दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दें तो यहां जितना अट्रैक्शन यहां इतना रिपल्सन, ऐसे सिचुएशन में कोई फायदा नहीं कोई घाटा नहीं, तो दोनों एटम्स पास में आना स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों एटम्स पास में तभी आएंगे जब अट्रैक्शन ज्यादा हो रिपल्सन कम हो, मतलब फायदा हो, कुछ एनर्जी का फायदा हो। और एनर्जी का फायदा होने का मतलब ये मत समझ लेना जैसे तुम अपने शब्दों में तुम्हारा जो फायदा होता है तुम फायदा का मतलब यही जानते हो, जैसे कह दिया पैसे का फायदा हो रहा है मतलब पैसे बढ़ गए, या किसी भी चीज का फायदा हो रहा है मतलब वो चीज बढ़ गया,
तुम्हारे यहाँ फायदा का मतलब बढ़ना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहाँ, मॉलिक्यूल्स के यहाँ, एटम्स के यहाँ, इन सब जगहों पर फायदे का मतलब बढ़ना नहीं होता। एनर्जी मतलब तुम समझो एक तरह का दर्द है, दर्द बढ़ जाएगा तो फायदा नहीं है, दर्द बढ़ जाएगा तो घाटा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वो दर्द में, उतना उछल कूद रहा है। तो लेस एनर्जी का मतलब फायदा यहाँ पर बोलते हैं, मोर एनर्जी का मतलब घाटा बोलते हैं। तो लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, कुछ कम एनर्जी कुछ ज्यादा एनर्जी, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इसमें आएगा तो फायदा फायदा, इसमें आया तो घाटा घाटा, यहाँ अट्रैक्शन अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्सन रिपल्सन, यहाँ एनर्जी घटेगी यहाँ एनर्जी बढ़ेगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे, तो जितना एनर्जी इधर घटा उतना एनर्जी इधर बढ़ जाएगा, जितना इधर एनर्जी घटेगा उतना इधर एनर्जी बढ़ जाएगा, जितना इधर फायदा हुआ उतना उधर नुकसान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों अलग अलग ही रहना पसंद करेंगे। जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है फिर साथ में रहने का फायदा क्या है, क्यों साथ में रहें? तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स या जो भी एटम है दोनों अलग अलग रहेंगे। जैसे अगर हम लोग हीलियम के बारे में सोचें, हीलियम में क्या होता है, 1s2, इसमें कुल मिलाकर दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 1s ऑर्बिटल में रहते हैं। तो इसका 1s और इसका 1s मिलकर के दो नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे, एक हो जाएगा हायर एनर्जी एक हो जाएगा लोअर एनर्जी। ये 1s, ये 1s और ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाए तो फायदा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाए तो घाटा। तुमने दो हीलियम एटम्स को आपस में जोड़ा है तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, कुल मिलाकर के चार इलेक्ट्रॉन हो गए। चारों इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं में रहना पड़ेगा, तो चारों इलेक्ट्रॉनों में से दो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रह जाएगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉनों को यहां पर आना पड़ेगा, चारों इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं रह सकते। तो दो यहां आएंगे, इनको खूब फायदा फायदा होगा, बहुत मजे में है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत रिपल्सन फेस करना पड़ रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में बहुत झगड़ा हो रहा है। तो इधर जितना फायदा इधर इतना नुकसान, तो ये कहेगा कि चलो रहते हैं, ये कहेगा नहीं नहीं रहते हैं। दोनों का जो है नेट रिजल्ट होगा कि इस इलेक्ट्रॉन से होने वाला फायदा और इस इलेक्ट्रॉन के से होने वाला नुकसान, यहां से होने वाला अट्रैक्शन और यहां से होने वाला रिपल्सन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और HE+HE मिला करके तुम सोचोगे कि HE2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इधर जितना फायदा इधर उतना नुकसान, तो ऐसे सिचुएशन में HE2 नहीं बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे उसको हम एनर्जी के बेसिस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डील करते हैं। एनर्जी घट गई फायदा हुआ, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी, तो ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल रहे, आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज भी हो सकते हैं, वहां पर भी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है कि एनर्जी में कमी आ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन वाला ये बन जाएगा, लेकिन ये हीलियम वाला मॉलिक्यूल ये नहीं बन पाएगा। तो ये बेसिक एसेंस हुआ अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इसी को अप्लाई करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अब जो है हाइड्रोजन से सीधे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ जंप करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स हैं और दोनों मिलकर के एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, मिलकर के O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसी को हम लोगों को डील करना है। तो अगर हम O2 मॉलिक्यूल को ध्यान से समझे, तो O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तुम लिखो, तो देखोगे 1s2 2s2 एंड 2p4, मतलब 1s है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 2s है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, 2p पी में xyz, 2px 2py 2pz तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कुल मिलाकर के चार इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3 और 4, इन्हीं में से कोई एक 2px होगा, कोई एक 2py होगा और कोई एक 2pz होगा, किसी को कुछ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पांच ऑर्बिटल्स एक ऑक्सीजन के पास है, दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके पास भी ऐसा ही सिचुएशन होगा। तो दो ऑक्सीजन एटम्स जब मिलेंगे तो इसके पास अपने ऑर्बिटल्स, उसके पास अपने ऑर्बिटल। तो पहले ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑर्बिटल के 1s के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होकर के दो टो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन के 2s के साथ मिक्स हो जाएगा और दोनों मिलकर के फिर से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले ऑर्बिटल का 2p और दूसरे ऑर्बिटल का 2p, ये भी आपस में मिक्स हो जाएंगे। यहां पर तीन ऑर्बिटल्स, यहां पर तीन ऑर्बिटल्स और तीन और तीन मिला करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो पहले तो माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कि जब दो ऑक्सीजन एटम्स को तुम जोड़ोगे तो पहले का 1s दूसरे का 1s मिला करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पहले ऑक्सीजन का 2s और दूसरे ऑक्सीजन का 2s,
फिर से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2p और 2p मिलकर के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसी चीज को यहाँ पर हम लोग समझे तो ये रहा 1s और ये रहा 1s, और 1s और 1s मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कह दो सिग्मा 1s और इसे कह दो सिग्मा स्टार 1s। इसको भी इधर साइड में लिख देते हैं सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। फिर 1s की तुलना में 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए 1s के ऊपर 2s को बना रहे हैं हम लोग। ये रहा पहले ऑक्सीजन का 2s, ये रहा दूसरे ऑक्सीजन का 2s। ठीक, 2s और 2s आपस में मिक्स होंगे, फिर से दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। इसे कह दो सिग्मा 2s और इसे कह दो सिग्मा स्टार 2s। मतलब ये रहा बॉन्डिंग और ये रहा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो रिपल्सन। तो यहां से जितना फायदा यहां से उतना नुकसान। फिर 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p, और ऊपर चढ़ो एनर्जी में। 2s की तुलना में 2p की एनर्जी और ज्यादा होगी। तो पहले ऑक्सीजन का 2p और दूसरे ऑक्सीजन का 2p, तीन ऑर्बिटल इसमें, तीन ऑर्बिटल इसमें। ये तीन और तीन 6 ऑर्बिटल्स मिलकर के ये बीच वाले 6 ऑर्बिटल्स जो है इनको बनाएंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन गिनती तो कम से कम हम लोग शुरू शुरू में गिन ही सकते हैं ना। इसमें क्या समझना बूझना, तीन इधर 6 ऑर्बिटल्स खर्च होंगे और ये 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलो कह देते हैं ये px है, ये py है, ये pz है। इसी तरह से इसमें भी कुछ px, py और pz। तो इसका pz और इसका pz आपस में मिक्स हो करके सिग्मा 2pz और ऊपर जो है सिग्मा स्टार 2pz। ये इन दोनों ऑर्बिटल्स की तुलना में इसकी एनर्जी जितनी कम है इसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। pz और pz मिलकर के एक सिग्मा 2pz, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर py और py मिलकर के पाई 2py और पाई स्टार 2py। फिर px और px मिलकर के पाई 2px एंड इधर पाई स्टार 2px। तो यहां पर जैसे हमने z ले लिया है, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर z ही लिया जाए, तुम यहां पर x ले सकते हो। लेकिन अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ध्यान देना। अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, ये z होगा तो ये भी z होगा। ठीक, तो अगर यहां पर x लिया तो यहां पर भी x लेना, यहां पर y लिया है तो यहां पर भी y ही लेना, और यहां z लिया है तो यहां पर भी z ही लेना। इसमें 3-5 मत करना। तो हमने दोनों जगह z लेकर के काम पूरा कर लिया है। तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz और फिर py और py मिलकर के पाई 2py पाई स्टार 2py। इसकी एनर्जी कम इसकी एनर्जी ज्यादा, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग। फिर px और px मिलकर के पाई 2px पाई स्टार 2px। इसकी एनर्जी कम, ये बॉन्डिंग टाइप का पाई ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग टाइप का पाई ऑर्बिटल। ये सिग्मा और पाई का क्या चक्कर है, तो हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा तो पहले से जानते हैं कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड। अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ इस तरह से मिक्स हो जाएगा, दोनों इस तरह से मिक्स हो जाए तो सिग्मा, और अगर दोनों इस तरह से मिक्स हो जाए तो इस तरह से साइड से मिक्स होते हैं तो पाई। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जेड एक्सिस है, ये पीजेड ऑर्बिटल हो जाएगा। और सपोज ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों 90-90 डिग्री पर होते हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एक ऑक्सीजन एटम का पीजेड ऑर्बिटल, और कह दो ये पीवाई कह दो या पीएक्स कह दो, जो भी कह दो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझते ही हो तुम। फिर इधर दूसरे ऑक्सीजन एटम का पीजेड और कह दो ये पीएक्स। तो ये चलो हो गया पीजेड और ये भी हो गया पीजेड। ठीक, तो ये दोनों इस तरह से मिक्स होंगे हेड टू हेड, मतलब ऐसा सिग्मा टाइप का मिक्सिंग होगा। और जब इन दोनों को मिलना होगा तो दोनों को साइड से मिक्स होना पड़ेगा। ठीक, तो ये कह दो पीएक्स और ये कह दो पीएक्स, या फिर इसको पीवाई कहो तो इसको भी पीवाई कह सकते हो। तो ये साइड से मिक्सिंग होगा, तो ये सिग्मा टाइप का मिक्सिंग, ये पाई टाइप का मिक्सिंग। और सिग्मा टाइप का मिक्सिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो फायदा होगा तो फायदा भी खूब होगा और नुकसान होगा तो नुकसान भी खूब होगा। ज्यादा अच्छे से मिक्सिंग होने का मतलब
अगर फायदा हुआ खूब फायदा होगा, नुकसान होगा तो खूब नुकसान होगा, और अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है तो यदि फायदा हो रहा है तो फायदा भी थोड़ा सा होगा और नुकसान होगा तो नुकसान भी थोड़ा सा होगा। यही वजह है कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी काफी नीचे चली गई है, काफी फायदा हुआ है, सिग्मा टाइप की मिक्सिंग हुई है तो काफी फायदा हुआ है, जबकि नुकसान हुआ है तो नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, और जब पाई टाइप की मिक्सिंग हो रही है तो फायदा भी कम हुआ है नुकसान भी कम हुआ है। तो यहाँ पर मजबूत बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कमजोर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ खूब अट्रैक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन है, यह एनर्जी का काफी फायदा होगा, यह एनर्जी का थोड़ा फायदा होगा, यहाँ खूब रिपल्सन है, यहाँ थोड़ा ही रिपल्सन है, यहाँ एनर्जी का काफी नुकसान होगा, यहाँ थोड़ा नुकसान होगा। तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो है ऑक्सीजन के अंदर काम करेंगे, इन सबको एक साथ एक बार देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा लेकिन थोड़ा जोर से देखो तो दिख जाएगा कि 1s और 1s मिलकर के सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, 2s और 2s मिलकर के सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, 2p और 2p मिलकर के सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम लो उसी के साथ उसका एंटी बॉन्डिंग भी पढ़ो, तो इसको पढ़ो तो इसको भी पढ़ो, इसको पढ़ो तो इसको भी पढ़ो, और जब इसको पढ़ो तो इसको पढ़ने मत चले जाना, इसको पढ़ो तो इसके बारे में सोचो कि इधर सिग्मा बॉन्डिंग है इधर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, फिर इधर पाई बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, तो जब बॉन्डिंग पढ़ो तो उसके अपोजिट एंटी बॉन्डिंग भी पढ़ो। तो ये पुराने ऑर्बिटल्स और ये नए ऑर्बिटल्स, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, पुराने ऑर्बिटल्स में रहा करते थे, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अब नई व्यवस्था में नए ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो हम उन इलेक्ट्रॉनों को एक बार भरने की कोशिश करें, तो वही डायग्राम हमने यहाँ फिर से साफ सुथरा तुम्हारे लिए बना रखा है, कुछ नाम कथा नहीं लिखा हुआ है, नाम वगैरह अब हमारे मन में रहेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कौन बॉन्डिंग है कौन एंटी बॉन्डिंग है, सब हमारे मन के अंदर है, और अब हम इनमें सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला करके 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भर डालो। सबसे नीचे से शुरुआत करोगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तुम वहां भरोगे, तो 16 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहां रख दिए, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं तुम्हारे लिए, हम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां रख देते हैं, ठीक। तो इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान, अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन, तो आंसर एनर्जी कम हो जाएगी, खूब अट्रैक्शन होगा, खूब फायदा हो रहा है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखें, इससे क्या हो रहा है, फायदा कि नुकसान, तो इधर जितना फायदा इधर उतना नुकसान, मतलब दोनों का जो नेट रिजल्ट है अभी तक जीरो है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन रह जाए तो हम कहेंगे बॉन्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी और भी है, एक 16 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरा, फायदा हुआ कि नुकसान, आंसर है फायदा हुआ। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, ध्यान रहे किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इधर जितना फायदा इधर उतना नुकसान, तो इससे जो फायदा हुआ इससे उतना नुकसान हुआ, नेट रिजल्ट फिर से जीरो। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी रहते तब भी बॉन्ड न बन पाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन 16 भी और भी इलेक्ट्रॉन अपने पास है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा, फायदा कि नुकसान, आंसर यहां पर फायदा होगा यहां पर नुकसान होगा, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आएगी, बीच में ये सब भी है, तो इलेक्ट्रॉन अभी इसमें भरना पड़ेगा तुम्हें। यहां तक आते आते तुमने 10 इलेक्ट्रॉन सेट कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, ध्यान रहे दोनों में बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, याद है ना, जैसे हम लोगों ने सीखा था कि अगर डी में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी इक्वल है, पांचों डी जनरेट कहे जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी ये दोनों डी जनरेट है, दोनों की एनर्जी और सिमिट्री एक जैसी है, केवल एनर्जी की बात नहीं होती, सिमिट्री भी होता है एक चीज, पता नहीं तुम सिमिट्री समझते हो कि नहीं समझते हो, नहीं समझते हो तो छोड़ दो, केवल एनर्जी पर ही फोकस करो, दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, दोनों की एनर्जी एक जैसी है, दोनों डी जनरेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, और दोनों का स्पिन भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा किधर भी बना दो, अगर पहला सीधा बनाया तो सब ऊपर की तरफ सीधा सीधा ही बनाओगे, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा विद सेम स्पिन, इसको हुंड्स रूल कहते हो ना, तो हुंड्स रूल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया है। फिर उसके बाद अब एक एक इलेक्ट्रॉन और भरो, क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 10 यहां तो हो गया था, 4 यहां रख दिया, 14, 2 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, तो दोनों को इसमें रख दे क्या, आंसर है नहीं, एक इसमें रखेंगे एक इसमें रखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल,
क्या इसको कैंसिल करने के लिए यहां पर कुछ है? आंसर नहीं है, तो इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या इसको कैंसिल करने के लिए यहां पर कुछ है? आंसर हाँ है, जितना यहां उतना ही यहां है, तो आंसर नहीं, इधर ज्यादा इधर कम है, तो फायदा ज्यादा नुकसान कम, मतलब कुछ तो बॉन्ड बनेगा, तो इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। और ध्यान देना, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों मिलाकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये चारों मिलाकर के दो पाई बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन एक बॉन्ड इसकी वजह से टूट जाएगा, तो कुल मिलाकर के एक ही बॉन्ड बनेगा। तो कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक सिग्मा टाइप का और एक पाई टाइप का, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले ऑर्बिटल में है, चार इलेक्ट्रॉन पाई वाले ऑर्बिटल में है, लेकिन चार पाई बॉन्डिंग में है, तो दो तो जो है पाई एंटी बॉन्डिंग में भी है, इधर कुछ फायदा हो रहा है तो उधर कुछ नुकसान हो रहा है, तो फायदे में से नुकसान को माइनस कर देते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड बनाया है, इसको हम लोग कभी कभी करते क्या है, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के रूप में कैलकुलेट करते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं रही। तो बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के पक्ष में काम कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने के साइड में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को माइनस कर दो। ठीक, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने में लगे हैं, तो 10 में से 6 को माइनस करोगे, बचेगा 4। चार इलेक्ट्रॉन है जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं, उन चार इलेक्ट्रॉनों की मदद से कितना बॉन्ड बनेगा? तो हम जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन मिलकर के दो बॉन्ड बना पाएंगे, तो हम इसको दो से डिवाइड भी करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें, तो यहां पर बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, और ये नीचे वाले 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और ऊपर वाले दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितना हो गया, दो यहां पर, दो यहां पर, 6 यहां पर, कुल मिलाकर के 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो अगर इसी चीज को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो हम कहेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 6, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.0। तो 2.0 आने का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक, 1 आ जाए तो सिंगल बॉन्ड, 2 आ जाए तो डबल बॉन्ड, 3 आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के जैसा सिचुएशन है, ठीक, और हम उसी चीज को बिना इस कैलकुलेशन के भी समझ सकते हैं ना, ये कैलकुलेशन तो उनके लिए है जिनको कुछ गहराई से समझ में नहीं आता, तो उनको फॉर्मूला और कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो गहराई से समझ सकते हैं वो साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, कोई बॉन्ड नहीं बना, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, कोई बॉन्ड नहीं बना, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने में लगे हैं, तो यहां पर अट्रैक्शन है लेकिन यहां पर कोई रिपल्सन नहीं है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड बना, दोनों की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देना दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 5 बॉन्ड बनेगा, इसीलिए हम दो से वहां पर डिवाइड कर रहे थे, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये चारों मिलकर के दो पाई बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन ये दोनों मिलकर के उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो मिलाकर के एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक, एक ही बॉन्ड बनेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मिलाकर के ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो ठो बॉन्ड बनना ही चाहिए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो हम लोग बनाते हैं, इसके पहले भी जब हम लोग ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने डबल बॉन्ड की बात करी थी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन दो बार बॉन्ड बनाता है, तो अगर दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में मिलेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो पिछला थ्योरी भी डबल बॉन्ड सजेस्ट करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी डबल बॉन्ड सजेस्ट करता है, तो इस थ्योरी का रिजल्ट पिछले वाले थ्योरी के जैसा ही आ रहा है, पिछले थ्योरी में भी हमने कहा था कि जब दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे तो आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, याद करो ऑक्टेट रूल का पहला लेक्चर हमारा, इसमें हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया था, तो जब भी दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहता है कि जब दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे
तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 या 2 होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर भी सजेस्टेड है। फिर ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर की भी थोड़ी सी बात हम लोगों को यहां पर समेटनी है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कब होता है, कोई भी चीज पैरामैग्नेटिक तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और डायामैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम सिंपल ऑक्टेट रूल या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करें जिसमें ऑर्बिटल बस ओवरलैप कर जाते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो भी बन जाता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो 6 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। और हमने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, साथ में, साथ में, ये भी सब जोड़े में ही बने हैं, पेयर में ही बने हैं, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, इसको VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी तुम कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जा रहे हैं। एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटल है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों जब ओवरलैप कर जाएंगे तो अब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हो जाएंगे, कह दो ये एटम एक्स, ये एटम वाई, और दोनों एटम्स के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में चलेंगे। तो अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात माने तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर हम समझते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब पैरामैग्नेटिक हो जाना चाहिए। तो यहां पर दोनों थियोरीज एक दूसरे से अपोजिट भाग रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थियोरी जो कहता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं और बॉन्ड बन जाता है, अगर उस थियोरी की बात माने तो हम कहेंगे ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। और अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी की बात माने तो हम कहेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो दो दिखाई पड़ रहे हैं और ऑक्सीजन शुड बी पैरामैग्नेटिक। तो अब क्या करें, किसकी बात माने, वैलेंस बॉन्ड थियोरी की बात मानी जाए या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी की बात मानी जाए? तो हम कहेंगे ऐसा है, तुम दोनों थोड़ा बैठो, हम ऑक्सीजन से खुद पूछ करके आते हैं कि बताओ भाई तुम किसे बिहेव करोगे, पैरामैग्नेटिक टाइप का बिहेव, पैरामैग्नेटिक टाइप का बिहेव करोगे या डायमैग्नेटिक टाइप का बिहेव करोगे। तो ऑक्सीजन को ले जा करके मशीन में डाल दिया और मशीन जो है ऑक्सीजन से पूछा कि बताओ तुम क्या हो, पैरा कि डाया। ऑक्सीजन मशीन के अंदर गया और मशीन ने पता लगाया कि ऑक्सीजन जो है, मशीन ने ऑक्सीजन से पूछताछ की और पता लगाया तो ऑक्सीजन ने बताया कि भैया हम पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बाय एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको मशीन में डाल करके उसमें से पता लगा करके जो निकालते हैं वो है कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज मोर एक्यूरेट अबाउट ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो ज्यादा सही है। वैलेंस बॉन्ड थियरी डबल बॉन्ड तो वो भी बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी डबल बॉन्ड बता रहा है, दोनों एक जगह पर एक जैसा काम कर रहे हैं, इसने भी डबल बॉन्ड बताया उसने भी डबल बॉन्ड बताया, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का प्रेडिक्शन ज्यादा सही है, वैलेंस बॉन्ड थियरी वहां पर सही से काम नहीं कर रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसा रिजल्ट देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का रिजल्ट अलग होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी की तुलना में। तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ज्यादा एडवांस है, एक ही चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ग्लास में पानी आधा भरा है तो कुछ लोग कहते हैं आधा पानी भरा है, कुछ लोग कहते हैं आधा पानी खाली है, तो एक भरे, एक ने जो है भरे होने की थियरी अप्लाई की कि पानी भरा हुआ है आधा, दूसरे ने खाली होने की थियरी अप्लाई की कि पानी जो है आधा खाली है। तो उसी चीज को देखने के लिए दो व्यूज, एक वैलेंस बॉन्ड व्यू, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज मोर एक्यूरेट, ऑलवेज मोर एक्यूरेट, लेकिन है क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज वेरी वेरी टफ, इसमें बहुत बहुत ही हाई ऑर्डर कैलकुलेशंस, क्योंकि हम कॉपी पेन से तो करने के बारे में सोचते नहीं, कंप्यूटर्स के जरिए सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं, और कंप्यूटर को भी कैलकुलेट करने में 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे तो 6 महीने में कैलकुलेशन पूरा करोगे एक मॉलिक्यूल का। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हर मॉलिक्यूल के लिए नहीं अप्लाई किया जा सकता, तो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को अप्लाई करके समझ लेते हैं कि ऐसा भी हो, सोचा जा सकता है
लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में हम नहीं अप्लाई करते, सिंपल सिचुएशंस में। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में वैलेंस बॉन्ड को अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी समझते रहते हैं कि अंदर अंदर कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है। सो फिलहाल ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। कभी कभी हमें ऑक्सीजन पर प्लस माइनस इस तरह का चार्ज लगा दिया जाता और कहा जाता है इसके बारे में जरा बताओ कि ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा कि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले थोड़ा सा इस वाले डायग्राम को यहां से कॉपी करके थोड़ा पीछे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। चलो भाई, तो O2 इसको भी हटाते हैं, ऊपर वाला ही सीधे हम लोग उठा करके लाते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही वाला डायग्राम सीधा उठा लेते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया है अभी, इसी को पकड़ ले चलते हैं। चलो भाई आगे चलो, हमें O2 प्लस के बारे में सोचना है कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह कैसा होगा, ये सब सोचना है। तो कैसे सोचेंगे, तो पहले O2 के बारे में सोच लो। अगर O2 का सोचोगे डायग्राम तो अभी जो हमने बनाया वही बनाओगे। 16 इलेक्ट्रॉन है, दो यहां भरा, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, ये 16 इलेक्ट्रॉन तुमने भर डाले। जब O2 प्लस होगा तो तुमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ध्यान रहे, O2 प्लस होने का मतलब तुमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, सबसे टॉप एनर्जी हाइएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से तुमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से तुम हटा दो, इसको या इसको, दोनों बराबर एनर्जी के हैं, तुम इसको हटा दो या इसको हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कर रहा था कि रिपल्सन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन हो रहा था, अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो रिपल्सन हो रहा था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब रिपल्सन कुछ कम हो गया। रिपल्सन कम होने का मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ध्यान देना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड ऑर्डर को 0.5, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0.5, या तो इतना घट जाएगा या तो इतना बढ़ जाएगा। ठीक, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर में इतना फायदा हो जाएगा, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। रिपल्सन हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इतना जो है, तो अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। ठीक, अट्रैक्शन मतलब मोर बॉन्ड ऑर्डर। अट्रैक्शन मतलब हायर बॉन्ड ऑर्डर, बीओ बॉन्ड ऑर्डर। और रिपल्सन का मतलब ये होगा कि लोअर बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर और भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब तुम O2 प्लस के बारे में पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को हमने कह दिया हटा दो। जब तुम इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम होने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा। तो पहले कितना था, 2 था, अब 2 में 0.5 ऐड कर दो तो 2.5 हो जाएगा। मतलब जब ऑक्सीजन न्यूट्रल थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो डबल बॉन्ड था, लेकिन जब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आधा। आधे बॉन्ड को बनाने के लिए डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर, मतलब यहां पर जो बॉन्ड है वो 2.0 है, यहां पर बॉन्ड है वो 2.5 है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब मजबूत है, मजबूत है मतलब इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हम O2 प्लस के बारे में सोचें कि किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इन दोनों में किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो हम कहेंगे O2 का बॉन्ड जो है कमजोर है, इसका बॉन्ड मजबूत है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा और इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, मतलब O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ज्यादा है। अब अगर हम O2 माइनस के बारे में सोचें, O2 तो पहले ऐसा रहेगा, ये O2 का सिचुएशन है। O2 माइनस मतलब इसी में एक इलेक्ट्रॉन और भरा दो, एक इलेक्ट्रॉन और ला करके रखो। कहां रखोगे, यही पर रखोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और रखा, तो ये जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आया है इसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा कि रिपल्सन, तो आंसर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता था 2, अब इसमें 0.5 कम कर दो तो 1.5 हो जाएगा। तो मतलब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिस्टम है, अगर इस पर एक निगेटिव चार्ज चढ़ा दे तो एक बॉन्ड और
आधा बॉन्ड, मतलब एक कंप्लीट बॉन्ड और फिर आधा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और आधा पाई बॉन्ड टाइप का सिचुएशन है, ठीक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो पूरा पूरा है, उसको कंसील करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और पाई इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करने के लिए एंटी पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, चार में से तीन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो आधा बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड, तो इसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड और इन सब की वजह से मिलाकर के आधा पाई बॉन्ड, तो डेढ़ बॉन्ड 1.5 बॉन्ड बनेगा। या फिर तुम चाहो तो अपना वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई टू, उसको भी अप्लाई करोगे तो टोटल बॉन्डिंग काउंट करोगे तो दो ठो यहाँ पर बॉन्डिंग, दो ठो एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर दो बॉन्डिंग दो बॉन्डिंग दो बॉन्डिंग और तीन एंटी बॉन्डिंग, तो टोटल बॉन्डिंग देखोगे दो और दो चार और छह, यहाँ पर 10 बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक, O2 माइनस के लिए हम बात कर रहे हैं, 10 बॉन्डिंग और पांच सॉरी सात सात एंटी बॉन्डिंग, ठीक, काउंट कर सकते हो, तीन तो यहीं पर हो गए, इन दोनों में देखोगे तो ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों में देखोगे तो ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, तो टोटल जो है सात एंटी बॉन्डिंग, तो 10 में से सात किया बचा तीन, और तीन को दो से डिवाइड भी करना है तो 3/2 बोले तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट बढ़ गया है और O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट घट गया, इसी तरह से O2 पर 2 माइनस, इसको अपने से सोच डालना। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पैरा मैग्नेटिक, न मिले तो डायमैग्नेटिक, तो इस तरह से हम लोग O2 के बारे में सोच सकते हो, जैसे O2 के बारे में सोचोगे वैसे ही तुम चाहो तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी सोच सकते हो ना, तो जैसे अगर मान लो अपने पास O2 की जगह F2 आ जाए या Ne2 आ जाए, इन सब के बारे में सोचना, तो बिल्कुल वैसे ही काम करते चले जाओगे कि 1s और 1s मिलकर के दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2s और 2s मिलकर के दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2p और 2p मिलकर के छह ऑर्बिटल्स बनाएंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों पाई बॉन्डिंग ये दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसी में भरते चले जाओ, फायदे और नुकसान का आकलन करो कि फायदा ज्यादा हुआ कि नुकसान ज्यादा हुआ, और नेट रिजल्ट डिक्लेयर करो कि बॉन्ड बन पाएगा कि बॉन्ड नहीं बन पाएगा, फायदा ज्यादा हुआ तभी बॉन्ड बनेगा, अगर फायदा और नुकसान आपस में बराबर हो जाए कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, या नुकसान ज्यादा होने लगे तब भी कोई बॉन्ड बनेगा, हालांकि ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं कि नुकसान ज्यादा हो जाए, या तो फायदा होगा या तो फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो बॉन्ड बनेगा, फायदा नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो बिल्कुल वही सिचुएशन इस्तेमाल करके O2 F2 और Ne2 के बारे में, या फिर इस पर कुछ प्लस माइनस वगैरह भी ऐड कर दिया जाए तो इसके बारे में सोच सकते हो। इसके आगे के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नहीं सोचेंगे, फिर अपना जो सिंपल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला मॉडल पिछले के क्लासेज में हम लोग पढ़ते चले गए थे, उन सबको इस्तेमाल करके काम करेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एसपी मिक्सिंग इन बी टू सी टू एंड एन टू मॉलिक्यूल, ठीक, एसपी मिक्सिंग क्या होता है, तो पहले तो तुम ये समझ लो हमारे पास जो 10 एलिमेंट्स है उनका नाम लिखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, ये 10 एलिमेंट हो गए, सबको डबल डबल करो तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए इनके, ठीक, फिर यहां से कैसे लाइन खींचो, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, O2 F2 Ne2 एक जैसे, और ये सब थोड़े अलग, इनमें कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होती है और इनमें एसपी मिक्सिंग होती है, एसपी मिक्सिंग क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, एसपी मिक्सिंग नहीं होता है तो क्या होता है, वही जो हम लोग अभी पढ़ते चले आ रहे थे, वो बिना एसपी मिक्सिंग के हम लोगों ने सीधा पढ़ा था, अब एसपी मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा अपने को समझना है, तो अगर इनके अंदर तुम देखोगे तो क्या क्या सिचुएशन है, 1s है अपने पास, 1s है 2s है और 2p है, तो 1s की तुलना में 2s की एनर्जी ज्यादा है, 2s की तुलना में 2p की एनर्जी ज्यादा है, और यहां पर एनर्जी का कुछ गैप दिखाई पड़ रहा है जिसकी वजह से यहां पर भी एनर्जी का कुछ गैप दिखाई पड़ रहा है, ये गैप जितना ज्यादा होगा ये गैप भी उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान देना, ये गैप जितना ज्यादा ये गैप उतना ज्यादा, ये गैप जितना कम ये गैप इतना कम, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है सिग्मा 2s, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s, ये क्या है सिग्मा 2pz कह दो, तो हम इन दोनों पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ये सबसे टॉप वाला ऑर्बिटल और इसका सबसे बॉटम वाला ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच का अंतर जितना ज्यादा होगा इन दोनों के बीच का अंतर भी उतना ज्यादा होगा, तो अगर हम लोग इधर के केसेस में देखें,
O2F2 और Ne2 में, तो वो जो अंतर हम लोग बात कर रहे थे S और P के बीच का, वो अंतर काफी ज्यादा होता है। और अगर हम इन पीछे वाले एटम्स के बारे में सोचें, ठीक है, H2, HC2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें, तो यहाँ पर S और P के बीच में कम अंतर होता है, तो यहाँ पर लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2s एंड 2p, ठीक है, यहां पर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, और यहां पर वही डिफरेंस थोड़ा कम होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन स्मॉल डिफरेंस होगा। तो स्मॉल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, दोनों डायग्राम्स को एक साथ देखेंगे तब बात समझ में आएगी। यहां पर इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, और यहां पर इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा। इन दोनों में ज्यादा अंतर है और इन दोनों में कम अंतर है। जब अंतर ज्यादा है तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, और जब अंतर कम हो जाता है, दो चीजें एक जैसी हो जाए, तो तुम दोनों में अंतर ना कर पाओ, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो यहां दोनों काफी एक जैसे हैं और दोनों में अंतर नहीं है, अंतर बहुत थोड़ा सा है, तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और जब भी दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, रिजल्ट यही होगा कि दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक जो है, जब भी दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, एक नया ऑर्बिटल बनेगा हायर एनर्जी का, एक नया ऑर्बिटल बनेगा लोअर एनर्जी का। तो दो पुराने ऑर्बिटल जब भी मिक्स होंगे, एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, और एक की एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स डिसअपियर हो जाएंगे, दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी इसके ऊपर, यहां पर देखो इसके ऊपर बनाने की कोशिश की हमने, और एक की एनर्जी थोड़ी नीचे, ये जितना नीचे ये उतना ऊपर, तुम ऐसा कह सकते हो। तो अब ये जो क्रम था, ये क्रम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल खत्म, ये ऑर्बिटल आ गया, ये ऑर्बिटल खत्म, ये ऑर्बिटल आ गया। तो अगर हम डायग्राम को इसी जगह पर थोड़ा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के लिए काफी पापड़ बेलना पड़ेगा, लेकिन करते हैं। हम इस ऑर्बिट, ये फालतू लाइनें पहले हटा दें, ठीक, और हम कहते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हो गए खत्म। खत्म हो गए तो क्या हुआ, दो नए ऑर्बिटल्स बने, एक ऑर्बिटल बनेगा और एक ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी ऊपर, और एक ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी अब थोड़ी नीचे चली गई, राइट। और कुछ और फालतू लाइनें हम लोगों को हटानी पड़ेंगी, एक ये वाली लाइन हटाते हैं, ये वाली लाइन हटाते हैं, इसको हटाया। और ध्यान देना, ये दो नए ऑर्बिटल्स कहां से आए, तो पुराने वाले दो ऑर्बिटल्स खत्म, नए वाले दो ऑर्बिटल्स अपीयर हो गए, और कुछ कनेक्शन इनमें और जोड़ने होंगे। ये ऑर्बिटल कहां से आया है, ये ऑर्बिटल जो है यहां से आ रहा है, ठीक, ये ऑर्बिटल कहां से आ रहा है, ये ऑर्बिटल यहां से आ रहा है, ये ऑर्बिटल कहां से आया है, ये भी इसी से आया है, इसी से आया ना। और ध्यान देना, एस और पी की मिक्सिंग हुई है, मतलब ये ऑर्बिटल अकेले एस से नहीं बना, बल्कि इसमें पी का भी कुछ कैरेक्टर आया होगा, और इसी तरह से इसमें भी कुछ पी का कैरेक्टर होगा। तो अब डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखने में काफी अच्छा अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा, इधर बनाया, यस, इट इज हियर, ये दो ऑर्बिटल मिक्स हो गए, मिक्स होकर के दो ऑर्बिटल्स, एक यहां पर हायर एनर्जी ऑर्बिटल, एक जो है यहां पर, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी बनेगा और एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी बनेगा। तो इन दोनों को हटा करके इन दोनों ऑर्बिटल्स को इमेजिन करें तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ करता था, ठीक, अगर इस ऑर्बिटल के नाम के बारे में सोचो तो ये ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल हुआ करता था, तो ये ऑर्बिटल हुआ करता था, ये सब थोड़ा लोग हटाएं, ये ऑर्बिटल हुआ करता था सिग्मा स्टार 2s, और ये ऑर्बिटल हुआ करता था पाई 2pz। तो हम कहेंगे ये ऑर्बिटल ऊपर चला गया, तो ये जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है ये है, सॉरी गलत लिख दिया, सिग्मा 2pz ना, सिग्मा
टू पी जेड, ये हो गया सिग्मा टू पी जेड, और ये हो गया सिग्मा स्टार टू एस। हालांकि इसको सिग्मा स्टार टू एस लिखना अब सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें एस के साथ साथ पी भी थोड़ा मिक्स हो चुका है, और इसको भी प्योर टू पी जेड जेड लिखना भी गलत होगा, क्योंकि इसमें पी के साथ एस भी थोड़ा मिक्स हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अभी भी यही नाम लिख देते हैं। तो अब ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो चेंज हो गई, पहले क्या था, पहले सिग्मा 1s हुआ, फिर सिग्मा स्टार 1s होगा, फिर सिग्मा 2s होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s होगा, फिर सिग्मा 2pz जो यहां नीचे हुआ करता था वो ऊपर चला गया, और ये दोनों क्या है, पाई 2px पाई 2py, और दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, और इधर क्या है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो सिग्मा स्टार 2pz का सिचुएशन पहले पहले कैसा होता था, पहले ऐसा होता था सिग्मा 2pz यहां होता था, सिग्मा स्टार 2pz यहां होता था, फिर अब चीजें थोड़ी बदल गई, तो एनर्जी का क्रम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक, एनर्जी के इस बदले हुए क्रम को अच्छे से माइंड में तुम रखोगे, एनर्जी का क्रम अब जो है पहले जैसा नहीं रहा, एनर्जी का क्रम जो है थोड़ा बदल चुका है। ठीक, इसको ऊपर लिखते हैं यहां से हटा करके, ताकि हम लोग छोटे व्यू में सब कुछ एक साथ देख पाए, कुछ भी कर लो बोर्ड हमें छोटा पड़ ही जाता है ना, ब्लैक बोर्ड हटा करके स्मार्ट बोर्ड लगा डाला, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ये भी छोटा पड़ जाता है, एक साथ उतनी चीजें हम लोग नहीं देख पाते जितना मेरा मन रहता है। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर ये सिग्मा जो नीचे था, ये जो नीचे वाला ऑर्बिटल था, ये ऊपर जंप कर गया, ये थोड़ा नीचे आया, ये थोड़ा ऊपर गया, तो अब एनर्जी का क्रम जो है बदल चुका है, पहले पाई आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। तो अब ये बदले हुए एनर्जी के क्रम को इस्तेमाल करके हम जो ऑक्सीजन के पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब ऑक्सीजन के ठीक पहले N2, उसके पहले C2, उसके पहले B2 और वगैरह वगैरह, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग इस एनर्जी ऑर्डर का जो है इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसी चीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना ले, इतना बार बार इतना डब्बा और इतना डायग्राम कौन बना पाएगा, लेट अस गो सिंपल। अगर हम एसपी मिक्सिंग न करें, नो एसपी मिक्सिंग, या कह दो विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग, तो पहले दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम, खूब इत्मीनान से दो ऑर्बिटल्स बना ले, एक हो गया सिग्मा 1s, दूसरा हो गया सिग्मा स्टार 1s। फिर दो और ऑर्बिटल साथ में बना ले, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, फिर छह ऑर्बिटल्स का एक पूरा सेट बनाएंगे, एक दो, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, सिग्मा 2pz कह दिया इसको और सिग्मा स्टार 2pz कह दिया, और फिर बीच में चार ऑर्बिटल्स भरेंगे, इसको कह दिया पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, और पाई 2px यहां है तो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो अब हम लोग इस सिंपल डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, इसकी तुलना में इसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर इसकी एनर्जी और ज्यादा, इनकी एनर्जी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और अगर एसपी मिक्सिंग हो जाए तो होना क्या है, ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ध्यान देना, ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इन्हीं दोनों को मिक्स होना है, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, इन दोनों के ठीक ऊपर यहां पर बना दोगे। तो इस पूरे डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं तुम्हारे लिए, सबसे पहले कॉपी करके इसको दोबारा बना लेते हैं इधर, और चेंज क्या लाना है, सिर्फ इतना ही चेंज लाना है कि मिक्सिंग होगा तो इसको तो वैसे ही छोड़ दो, ये नीचे जाएगा, थोड़ा ही नीचे जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये जो हमारा सिचुएशन है इसको उठा करके यहां से इसको हटा देते हैं हम लोग, यहां से चलो यार, यहां से इसको हटाओ, यहां पर इसको बीच में बना लो, ठीक, सिग्मा 2pz, तो ये क्रम रहेगा, ठीक। और अगली बार से जब हम लोग काम करेंगे तो सब ये नाम कहानी भी नहीं लिखेंगे, बस ये सीधा सीधा एकदम चित्रों पर आ जाएंगे कि दो ऑर्बिटल्स ये रहे,
1s और 1s मिला करके दो ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 2s और 2s मिला करके दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक लो एनर्जी एक हाई एनर्जी, फिर 2p और 2p मिला करके छह ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और छह ऑर्बिटल्स के एनर्जी का क्रम कुछ ऐसा, और इनका नाम अपने मन के अंदर ही हमें रखना है, ठीक है। मन के बाहर नामों को नहीं लाएंगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, और जब मिक्सिंग होगा तो इसको उठा करके ऊपर बना देना है। तो दो ऑर्बिटल एक साथ, फिर से दो ऑर्बिटल्स फिर से एक साथ, और ये जो छह ऑर्बिटल्स का सेट है इसको ऊपर बना दो। तो दो ऑर्बिटल ये पाई वाले, और पाई पाई स्टार, सिग्मा का एक ऑर्बिटल यहां चला गया, यहां रह गया, तो ये छह ऑर्बिटल्स इस तरह से। इसको कहां इस्तेमाल करना है? O2 में, F2 में, Ne2 में, और इसको कहां इस्तेमाल करना है? O2 के पहले जो भी आते हैं, मतलब N2, C2, B2 और पहले जो भी हैं, सबके लिए हम लोग इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और जब इस डायग्राम का तुम इस्तेमाल करोगे, जैसे यहां पर उन लोगों को भी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें नहीं करनी है अभी, पहले तो यही खत्म हो जाए। तो जैसे हम लोगों को सपोज B2 के बारे में बात करनी है, तो B2 के लिए हमें इस डायग्राम को नहीं इस्तेमाल करना है, हमें इस डायग्राम को इस्तेमाल करना है। तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन में होते हैं कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 5 मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन तुम यहां पर फिलअप करो, इसी डायग्राम को हम लोग फ्रेश बना लेते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, ठीक, या फ्रेश बना ही लेते हैं, कोई वो नहीं। ये दो ऑर्बिटल्स का सेट हो गया, ये फिर से दो ऑर्बिटल्स का सेट हो गया, और छह ऑर्बिटल्स का जो सेट है जो कि B2 में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो sp मिक्सिंग की वजह से ऐसा हो गया। अगर sp मिक्सिंग ना होता तो यही चीज ऐसे रहता, ठीक है। ये सेट में अंतर समझना, sp मिक्सिंग नहीं होगा तो ऐसा, और sp मिक्सिंग होगा तो ऐसे। सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा 2pz यहां आ गया। तो B2 में कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने की तैयारी करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों को कैंसिल करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये नीचे वाले तीनों बॉन्डिंग और ऊपर वाले तीनों एंटी बॉन्डिंग, तो इन दोनों की वजह से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो हम बोलेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज इक्वल टू 1, या फिर तुम वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, 6। तो अगर हम ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो 6 में से 4 जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब भी आंसर 1 ही आना है। तो ये एक बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। अब ये बॉन्ड सिग्मा होगा कि पाई, तो इसके पहले जितनी थियरीज हमने पढ़ी है, इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया आज के क्लास के पहले, हम लोगों ने कहा था सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड पाई नहीं होता, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और बाकी के पाई, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब बॉन्ड सिंगल ही होगा, सिंगल होगा तो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल में, और इनकी वजह से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा बल्कि पाई बॉन्ड होगा। तो इसके पहले जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वो सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही कहता था, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो उसकी थोड़ी अलग बात है, वो सिंगल बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड कह सकता है। फिलहाल अगर हमको जैसे अगर जनरल सिचुएशन आ जाए, जनरल सिचुएशन कह दे कि सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है कि पाई, तो हम लोग वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करेंगे, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बताएंगे। लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड सिचुएशन आ जाए जिस पर हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पूछा जाए कि सिग्मा है कि पाई, तो इत्मीनान से इस डायग्राम के बारे में सोचोगे और फिर सोच करके बताओगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है, तो इस बार जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अगर C2 के बारे में सोचो, ठीक, अगर यही C2 के बारे में सोचो, C2 कैसे बनाओगे? C2 में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और sp मिक्सिंग भी होगी, तो sp मिक्सिंग के साथ जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बना लो, दो ऑर्बिटल एक साथ,
दो ऑर्बिटल एक साथ और ये जो छह ऑर्बिटल्स का सेट है उनको भी बना डालो, ये है ये छह ऑर्बिटल्स एक साथ, नाम मन में रखेंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भर डालने हैं। तो देखो, दो दो चार, दो छ, दो आठ, नौ, 10, 11, 12, और ये दोनों ऑर्बिटल पाई वाले हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इन चारों की मदद से बॉन्ड बनेगा, और फिर से बॉन्ड पाई टाइप ही बनेगा, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनने जा रहा, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल यहां पर है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। तो चार इलेक्ट्रॉन मिलकर के दो बॉन्ड्स बनाएंगे, और दोनों ही बॉन्ड्स, बोथ बॉन्ड्स विल बी पाई टाइप। ठीक, तो ये स्पेशल सिचुएशन है, दोनों ही स्पेशल सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन अब दोबारा नहीं आएगा, एक बी टू और एक सी टू, दोनों ही स्पेशल सिचुएशन है। दोनों को जरा ध्यान से डील करना कि दोनों में कोई सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं, दोनों में बस पाई ही पाई बॉन्ड होता है, ऐसा सिचुएशन हर जगह नहीं मिलेगा, यही दो सिचुएशन है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी ऐसे भी सिचुएशन के बारे में सोच सकता है जहां सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, बस पाई बॉन्ड होता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये बात नहीं थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी ये सारी बातें नहीं कर सकता। तो हमने दो तरह के डायग्राम्स देखे, काफी सारी चीजें देखी, अब एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, जैसे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ करके NO बना ले। इसके पहले तो जब भी हम बात कर रहे थे दोनों एटम्स एक जैसे थे, H2 था तो दो हाइड्रोजन एटम्स, O2 था तो दो ऑक्सीजन एटम्स, N2 हुआ तो दो नाइट्रोजन एटम्स, लेकिन यहां पर दो अलग अलग एटम्स है तो हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग इस क्लास में नहीं डिस्कशन करेंगे, हम लोग इसे अगले क्लास में सेपरेट डिस्कशन करेंगे।